अब हम चल रहे हैं जो है रामेश्वर, रामेश्वर तीर्थ धाम जो कि पंचकोसी यात्रा का तीसरा पड़ाव है। हम बात करते हैं यहाँ के महंत गुरु जी से और यहाँ के आध्यात्म के विषय में पूरी जानकारी। गुरु जी आप बतावें जो है कि यहाँ के विषय में अपना परिचय देते हुए। जी, यह काशी पंचकोसी देव यात्रा का तीसरा पड़ाव रामेश्वर है और मेरा नाम आचार्य पंडित अनूप तिवारी, मैं यहाँ का मुख्य पुजारी हूँ। हमारी ये सनातनी गद्दी है परिवारिक। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी एक तो स्थापित किए सेतु बाद रामेश्वरम रावण वध से पूर्व, और जब युद्ध में उन्होंने रावण का वध कर दिया तो उनको ब्रह्मत्या पाप लगा और उस ब्रह्मत्या पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान रामचंद्र जी काशी पंचक्रोशी यात्रा करने आए। तो यहाँ पर जब वरुणा के तट पर आए तो उनके मन में ऐसा भाव उठा कि हमारे इष्ट देव भगवान शिव जी हैं और शिव जी को हम काशी पंचक्रोशी में स्थापित नहीं किए हैं, तो इसलिए भगवान राम जी ने यहाँ रात्रि विश्राम किया। एक रात्रे तु मध्य प्रभिषे सचमान स वरुणा या सुतटे रम्य स यातिम परमाम गतिम, यह स्कंद पुराण का श्लोक है। भगवान राम जी रात्रि विश्राम किया और सुबह उठ करके संध्या वंदन किया, वरुणा स्नान करके और हनुमान जी से कहें कि आप जाइए, जितना अच्छा शिवलिंग मिले सो ले करके आइए। हनुमान जी शिवलिंग लेने के लिए गए तो उनके मन में विचार उठा कि भगवान का जो भी विशेष कार्य होता है प्रभु हमसे ही कहते हैं करने के लिए, इसका मतलब कि उनके सबसे प्रिय भक्त हम ही हैं, तो अहंकार ही भगवान का भोजन है। भगवान राम जी को हो गया कि हनुमान जी के अंदर विकृति आ रही है तो विकृति को तुरंत नष्ट करना चाहिए, तो भगवान ने माया कर दिया। हनुमान जी जल क्रीड़ा देखने लगे, इधर मुहूर्त बीतने लगा तो वशिष्ठ जी ने कहा कि प्रभु यह उत्तम मुहूर्त है, इसी में स्थापित करिए। तो राम जी ने सोचा कि हम पार्थिव शिवलिंग बना करके प्रतिदिन पूजन करते हैं तो क्यों ना यहाँ पार्थिव ही स्थापित किया जाए, तो वरुणा से एक मुट्ठी बालू लेकर के सूक्ष्म स्वरूप छोटा सा शिवलिंग स्थापित कर दिए। तो लोगों ने पूछा कि प्रभु आपने बड़ा सूक्ष्म स्वरूप स्थापित किया, तो उन्होंने कहा कि रामेश्वरम महालिंगम वरुणायास तटे सुबे, ये महालिंग की स्थापना हमने किया। शिवलिंग की श्रेणी है शिवलिंग, पार्थिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, बाणलिंग, महालिंग, आत्मलिंग, तो भगवान राम जी ने यहाँ महालिंग की स्थापना किया। हनुमान जी मूर्ति लेकर के आए तो देखे कि यह मूर्ति स्थापित हो चुकी है, तो हनुमान जी को लगा कि हमने कष्ट भगवान को कष्ट दे दिया, हमने अपराध कर दिया। तो राम जी ने सोचा कि हनुमान जी को कष्ट ना हो इसलिए उस मूर्ति को भी असंख्य भालू मंदिर मिलकर के नदी उस पार स्थापित किए, असंख्यातेश्वर महादेव नाम हुआ। तो राम जी ने स्थापित किया रामेश्वर, भरत जी ने किया भरतेश्वर, लक्ष्मण जी ने किया लक्ष्मणेश्वर, शत्रुघ्न जी ने किया शत्रुघ्नेश्वर, सभी लोगों ने एक एक शिवलिंग स्थापित किया। और यह काशी में सात पुरियों में अयोध्यापुरी है और द्वापर काल में पांचों पांडव द्रौपदी सहित यात्रा करते हुए यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ भुलनी बारी में गुम हो जाने के बाद एक बार मिले तो यहाँ के राजा का पुत्र खो गया था, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु हमें पुत्र हो जाए या हमारा खोया हुआ पुत्र मिल जाए तो हम प्रतिवर्ष ऐसा ही उत्सव करेंगे। तो राजा को खोया हुआ पुत्र भी मिल गया और उनको संतान पैदा भी हो गई, तो उसी उत्सव में विश्व का एकमात्र लोटा भंटा मेला यहाँ लगता है जिसमें अपार जन सैलाब उमड़ता है। और पंचक्रोशी यात्रा के दृष्टि से यह पंचक्रोशी त्रिकंटक विराज जैसे तीन भाग में विश्वेश्वर खंड, केदार खंड, ओंकार खंड, ऐसा तृतीय खंड में ये रामेश्वर विराजमान है। यहाँ तक पंचक्रोशी यात्रा आने वाले यात्रियों की यात्रा स्वीकृत हो जाती है। आगे फिर शिवपुर और कपिलधारा, शिवपुर में पांचों पांडव मंदिर है, कपिलधारा में यात्रा पूर्ण करके जौ में खर विनायक को जौ चढ़ा करके पुनः मणिकर्णी का संकल्प छुड़ाते हैं, यह पंचक्रोशी यात्रा का महत्व है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।